मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपनी जूम ऐप में किसी भी मीटिंग को रिकॉर्ड कर पाए और उसे बाद में भी देख पाए। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह स्टूडेंट अपनी जूम ऐप में किसी भी मीटिंग को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्टूडेंट अपनी मीटिंग को किस तरह रिकॉर्ड कर सकता है जूम ऐप में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट कभी भी मोबाइल पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती। अगर वो अपनी वीडियो को, अपनी किसी भी मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहता है तो उसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने जो लैपटॉप से लॉगिन किया है वो मेरा अकाउंट स्टूडेंट वाला अकाउंट है, और जो मैंने मोबाइल पर किया हुआ है वो मेरा टीचर का अकाउंट है। इट मीन्स जो मेरा मोबाइल में अकाउंट है वो होस्ट अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले से मीटिंग क्रिएट कर चुका हूँ और उसमें स्टूडेंट को ज्वाइन कर चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि जूम ऐप में मीटिंग को क्रिएट किस तरह करना है और ज्वाइन किस तरह करना है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो और बहुत ही इजी वे में इसे समझ पाओगे कि किस तरह ज्वाइन करना है और मीटिंग को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरे स्टूडेंट वाला अकाउंट है जो लैपटॉप पर है उसमें मैंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। तो चलिए मैं अपने टीचर वाले अकाउंट से भी एक बार कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं अपने होस्ट वाले अकाउंट से भी कैमरा ऑन कर चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर यहाँ पर देखेगा, जब उसने लॉगिन कर लिया और ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर उसके पास रिकॉर्ड की ऑप्शन आएगी, तो उसने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपके पास मैसेज आएगा जिसमें आपको परमिशन की जरूरत होगी अपने होस्ट से इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब हम चलते हैं अपने टीचर के अकाउंट में जिसमें स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर टीचर ने बीच में टैप करना है और उसके नीचे देखिए फोर्थ वन ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स, तो इस पर टीचर ने टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला जो अकाउंट है वो होस्ट का अकाउंट है हरप्रीत वाला, और उसके नीचे जो माइंड स्ट्राइक्स है वो स्टूडेंट का अकाउंट है। तो टीचर ने स्टूडेंट के अकाउंट पर टैप कर देना है। जैसे ही वो इस पर टैप करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास ऑप्शन आ रही है अलाउ टू रिकॉर्ड, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसे अलाउ कर देते हो तो स्टूडेंट वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो आपने अलाउ टू रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट के अकाउंट में ऊपर आ गया होस्ट अलाउस यू टू रिकॉर्ड मीटिंग, तो अब स्टूडेंट इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट ने रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप इसे पॉज कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसे पॉज कर सकते हो, और अगर आप स्टॉप करना चाहो तो ये ऑप्शन स्टॉप की है, इस पर क्लिक करके आप इसे स्टॉप कर सकते हो, या फिर नीचे से भी आप इसे क्लिक करके यहाँ स्टॉप पर इसे स्टॉप कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि मीटिंग तो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही मीटिंग एंड होगी, मतलब लीव करोगे, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे लीव करते हैं ताकि हम देख पाए कि हमारी वीडियो सेव होती है या नहीं। तो यहाँ पर लीव पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर लीव मीटिंग कर देते हैं। तो इसके बाद देखिए, जैसे ही आप इसे लीव करोगे तो आपकी जो फाइल है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आप बहुत इजी वे में देख पाओ उस वीडियो को। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होती है आपकी वो लोकेशन आ जाएगी यहाँ पर आपकी ये वीडियो सेव है। तो यहाँ पर देखिए, ये वीडियो हमारी आ चुकी है जहाँ पर हमने अभी मीटिंग रिकॉर्ड की थी। तो दोस्तों इस तरह स्टूडेंट्स अपनी जूम ऐप में किसी भी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। जाते हुए सब्सक्राइबर दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।